एक्शन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएफ यूट्यूबर। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रॉनी। तो आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं। तो टुडेज वीडियो टॉपिक इज़ वन प्लस नॉर्ड सी टू। तो इस वीडियो में इस फ़ोन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नो मोर फर्दर डिले, लेट गेट स्टार्टेड। सो एंजॉय। आप अगर वन प्लस का फैन है और अगर आप बजट में वन प्लस का फ़ोन आपको चाहिए तो आप वेट कर लीजिए, क्योंकि जैन फेब्रुअरी में वन प्लस का एक बजट का फ़ोन लॉन्च होता दिख सकता है। तो वन प्लस का जो नॉर्ड सीई था उसका सक्सेसर वन प्लस नॉर्ड सीई टू या फिर वन प्लस नॉर्ड टू सीई फ़ोन लॉन्च हो सकता है। तो ये फ़ोन दो तीन दिन पहले इंडिया की BIS पे लिस्ट हो चुका था कोड नेम आईवैन की नाम से। तो आज मुकुल शर्मा ने इस फ़ोन का सारे स्पेसिफिकेशन लीक कर दिया है। तो BIS पे फ़ोन लिस्ट होने के 1 से 1.5 महीने के अंदर फ़ोन इंडिया में लॉन्च हो जाता है। तो अगर ये फ़ोन पॉसिबली 2 से 2.5 महीना भी ले लेता है तो ये फ़ोन पॉसिबली जनवरी या फिर फरवरी की एंड होने से पहले इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या स्पेसिफिकेशन होगी। तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो पे। 6.4 इंचेस 90 हर्ट्ज फ्लूइड एमोलेड फुल HD प्लस 5-volt डिस्प्ले के साथ आएगा। रियर ट्रिपल कैमरा का सेटअप होगा एंड बैक साइड पे आपको पॉलीकार्बोनेट मिलेगा एंड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होगा और आपको बैक साइड पे वन प्लस का लोगो दिखने मिलेगा। दिखने में वन प्लस नॉर्ड सीई की तरह ही रहेगा। तो इसमें डायमेंसिटी का 900 चिपसेट रहेगा जो 5G चिपसेट है। ये ऑक्टाकोर का चिपसेट है और अगर एंटीटू स्कोर के बारे में बात करूँ तो ये 4.5 लाख से 5 लाख के ऊपर इसको दे देता है। तो ये बहुत स्ट्रांग एक चिपसेट है। इसमें माली का G68 गेमिंग ग्राफिक्स मिलेगा। तो आप अच्छे खासे गेमिंग इसमें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। अगर NM के बारे में बात करूँ तो ये 6 NM पे बेस है। तो आपको तगड़ी बैटरी एफिशिएंसी इसमें मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस का सेगमेंट अच्छा होने वाला है। एंड्रॉयड 11 के ऊपर आएगा एंड वन प्लस का खुद का UI ऑक्सीजन OS के ऊपर आएगा। तो ऑक्सीजन OS पे कोई एड्स ब्लूटूथ कुछ नहीं रहता है, नीट एंड क्लीन एक्सपीरियंस होगा। तो आपका एंड्रॉयड का जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। तो रेयर पे 64 MP का ट्रिपल रेयर कैमरा होगा, 64+8+2 एंड फ्रंट पे 32 MP का एक सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। तो रेयर पे आप 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, HD पनोरामा बुके सब कुछ कर सकते हो रेयर साइड पे। और फ्रंट के बारे में अगर बात करो तो इसमें आप 1080p पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो कैमरा भी इसका तगड़ा होने वाला है। तो ये फ़ोन स्लिम होने की वजह से बहुत बड़ा बैटरी इसमें नहीं मिलेगा आपको। इसमें 4500 mAh का बैटरी रहेगा विथ 65W का चार्जर इसमें रहेगा, विथ टाइप सी का पोर्ट मिलेगा। तो आपको एक डिसेंट बैटरी एंड स्ट्रॉन्ग चार्जर मिल जाएगा इस फ़ोन में। तो ये भी बहुत ही बढ़िया। तो इसमें सब तरह के सेंसर मिल जाएगा, लाइक अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर फेस अनलॉक प्रॉक्सिमिटी जियो मैग्नेटिक जायरोस्कोप लाइट कंपास सारे सेंसर आपको मिल जाएगा। तो वन प्लस नॉर्ड सीई में 3.5 mm जैक था, तो पॉसिबली इस पे भी 3.5 mm जैक आपको मिलेगा और स्टीरियो स्पीकर भी इसमें हो सकता है। तो सेंसर में कोई कमती नहीं है, सारे सेंसर इस फ़ोन में है। तो आप एक्सपेंड नहीं कर सकते, एक्सपेंडेबल स्लॉट के साथ नहीं आएगा। तो अगर बेस वेरिएंट के बारे में बताऊँ तो 6GB 128GB बेस वेरिएंट इसका होगा। और अगर प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो 25,000 से 30,000 के अंदर ये लॉन्च करेगा। जो लीक्स एंड र्यूमर्स आ रहा है उसी हिसाब से बोल रहा हूँ। तो पॉसिबली फेब्रुअरी के अंदर ये फ़ोन आ सकता है। तो एंड ऑफ फेब्रुअरी से पहले ये फ़ोन आपको इंडिया में मिलेगा। तो आप क्या वन प्लस के नॉर्ड CE2 या फिर वन प्लस नॉर्ड 2 CE ये फ़ोन के लिए वेट कर रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताना। तो यही थी आज की वीडियो अबाउट वन प्लस नॉर्ड CE2 या फिर वन प्लस नॉर्ड 2 CE। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और लाइक देकर मोटिवेट करना। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो और मेरे कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को इनेबल करना। फिर से मुलाकात होगी नए एक वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।